नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना न्यूज़ चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं पैदा ही वहीं हुआ हूं, अयोध्या जो फैलाबाद है, जो आज उसको अयोध्या कहा जाता है, मैं मेरी ददियाल वहीं की, मेरा घर है। तो जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लव जिहाद हो किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। ये मुसलमान इस नियत से गैर मुसलमानों को झांसा देकर फंसा कर मुसलमान इसलिए बनाते हैं, वो अपना जन्नत में घर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, इनका वहम है। और वो उस जिसको वो रसूल मानते हैं, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है कि पूरे दुनिया में आप कैसे ये समझ, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी नज़र से वसीम रज़वी की और एक वीडियो गुजर रही थी जिसमें वसीम रज़वी इंतहा कर चुका है। अल्लाह की शान में, हुज़ूर की शान में, कुरान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बकवास कर चुका है उन्हें। मैं उसके सर पर 50 लाख का बाउंड्री रखा था, 50 लाख से अब मैं उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहूँगा। जो कोई भी उसका सर लेके आएंगे उसके 1 करोड़, और जो नर्सिंग है उन्हें तो खैर आल्डी का है, उसको 50 लाख ही होते उसके यहाँ से। तो अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों बोले तो हुजूर की शान में गुस्ताखी, अल्लाह के खिलाफ बोलना और कुरान के खिलाफ तब्दीली लाने की बात करना मुसलमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुसलमानों, भाइयों और बहनों, अभी भी मौका है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा। 100 भगवानों को मानने वाले आज एक प्लेटफॉर्म पे है, और एक अल्लाह को मानने वाले 100 प्लेटफॉर्म पे चले गए। अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र को तो वहाँ पर गणेश को अपना भगवान मानते हैं, अगर आप जाएंगे दिल्ली को तो वहाँ पर राम को मानते हैं, अगर आप जाएंगे बिहार को तो वहाँ पर दुर्गा की पूजा करते हैं, गुजरात जाएंगे वहाँ कृष्णा की पूजा करते हैं। तो हर स्टेट में अलग अलग पूजा होता है। जब आप अल्लाह को मानने वाले एक मुसलमान है, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। आप देखिए हैदरपुरा का इनकाउंटर, सिविलियंस को शील्ड बना, ह्यूमन शील्ड बनाती वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि बीजेपी आरएसएस माइंडेड के सिक्योरिटी फोर्सेस ह्यूमन शील्ड बना के इनोसेंट सिविलियंस को मार देते। कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? शहीद हो गए डॉक्टर मुदस्सिर और उसके साथियों को जो है सो मार दिया गया। क्या बोलकर? मिलिटेंट से बोल के फेक एनकाउंटर्स किया जा रहा है। ये आरएसएस और बीजेपी के माइंडेड के लोग, ये आरएसएस जो है सो ब्रिटिश के ज़माने से गद्दार थे, स्पाइस बोलते थे इनको, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको बैन करे थे, इंदिरा गांधी आरएसएस को बैन करी थी। आज भी जो है सो सुप्रीम कोर्ट में जो है सो आरएसएस के खिलाफ पीआईएल है, बैन करो बोल के। दे आर वेरी वेल प्लान्ड, दे आर वेरी वेल प्लान्ड बीजेपी आरएसएस कैडर्स, दे आर इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस। इट इज जस्ट लाइक ए लावा इरप्टिंग आउट ऑफ वोल्केनो। कम्युनल वायलेंस आर प्लान्ड इन ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे, in an institutionalized way by BJP and RSS people to create violence and to disturb communal harmony. तो मैं आप सब मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, वक्त आ चुका है। अब देखिए आप CNRC NPR के खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि वो भी कानून रिपील किया जाए। अगर आप खामोश बैठेंगे तो वो देर दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में जेनोसाइड होने वाला है। बर्मा से भी बुरे हालात हो रहेंगे, अमरावती के हालात देखिए आप, दिल्ली में फसादात हुए, कितने मुसलमानों को मार दिया गया। कौन? ये वेल प्री प्लान्ड बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो मुसलमानों के दुश्मन बन चुके हैं। खुदा हाफिज़।